तो दोस्तों फिलहाल मैं लैंड कर चुका हूँ यासनाया में, तो चलिए शुरू करते हैं। एक को पेलने के बाद आ जाती है हिम्मत। तो देखो गाइस, इस बोट को मारने के लिए मेरे सारे के सारे टीममेट उतावले हो रहे थे, पर मारता हूँ मैं, देखो आराम से एकदम एक शॉट दे दिया और वो सीधा नॉक हो जाता है। चलो इसको क्लियर भी कर देता हूँ मैं। दोस्तों थोड़ा आगे जाने का मेरे को दिखते हैं अंकल जी, तो उनको पहनने के लिए मैं मतलब बाहर आता हूँ खिड़की से और देखो बस मॉली फेंक देता हूँ। मॉली फेंकने के बाद सीधा वो अंकल जी नॉक हो जाते हैं, देखो नॉक हो गए और सीधा मैं पुश कर देता हूँ और उनको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों आज तो जलवा है मेरा। तो गाइस हमारी सवारी निकली थी कि हमें दिखता है एक बंदा और हम तीनों के तीनों शेर उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और देखो उसको नॉक करने के बाद मैं सीधा आगे जाता हूँ रिलोड करने के लिए गन, और मेरे को दिखता है एक और बंदा मतलब उसका टीममेट और उसको पेलने के बाद भाई देखो हो जाता है ओपी वाला मोमेंट। तो देखो गाइस मैं इस बंदे को दो टैप टैप करके हेडशॉट देता हूं, तभी भी ये नॉक नहीं होता। भाई क्या हो गया मतलब कैसे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे टैप टैप कर दीजिए। तो मिलता हूँ आप सभी को अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सभी जुबां हैं हम हैं हजारों में।